दिल को धड़काने वाली एक दर्दनाक प्रेम कहानी। प्रेम कहानी कईयों के भीतर प्रेम जगा देती है। कहानी हमारे जीवन को संपन्न बनाने का पूरा कार्य अपने कंधे पर संभालती हैं। कहानियाँ इतिहास की हों या वर्तमान की हों अथवा हमारे भविष्य की। इतिहास में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हो या रोमियो जूलियट की कहानी, हर कहानी हमसे कुछ कहती है, कुछ समझाना चाहती है, प्यार का असल मतलब समझाना चाहती है। इसी का काम हमारी यह प्रेम कहानी करेगी। उम्मीद है आपको पसंद आए। इस प्रेम कहानी को आरंभ करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तर्ज पर प्यार करता है, अर्थात प्यार में क्या जरूरी है, धड़कता दिल या बाहरी सुंदरता। हर इंसान की कुछ छोटी सी इच्छा होती है, यही इच्छा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में सहायता करती है। रोहन के भी जीवन की कुछ इच्छाएं थी, हालांकि यह इच्छाएं कुछ ज़्यादा नहीं थी, वही कुछ मामूली इच्छाओं की पूर्ति ही वह चाहता था, जैसे कि एक अच्छी जॉब, घर का पालन करने हेतु घर में आती बेहतर सैलरी और घर में खुशी के लिए गृह लक्ष्मी। रोहन के पास ज़िंदगी में सब कुछ था। उसकी इच्छाओं के लिस्ट के आधे से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी थी। वह एक कंपनी में अकाउंट मैनेजर के स्थान पर कार्यरत था, अच्छी सैलरी का पैकेज था, कंपनी और कॉलोनी में उसकी अच्छी इमेज थी, लेकिन फिर भी रोहन काफ़ी चिंतित रहता था। इसका कारण था उसके माता पिता की बीमारी। वह चाहता था कि उसकी शादी जल्द हो, लेकिन उसकी शादी ना होने का सबसे बड़ा कारण उसका बढ़ा हुआ पेट था। कोई भी लड़की उसमें अपना पति नहीं खोज पाती थी। रोहन के मम्मी पापा पंडितों में बहुत विश्वास रखते थे और उन्हें शादी ना होने में अपने बेटे रोहन के बढ़े हुए पेट को नहीं दोषी मानते थे, बल्कि उन्हें कुंडली में दोष लगता था। रोहन काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था, जिसके कारण वह कुंडली दिखाने में विश्वास नहीं रखता था और वह पहले भी अपने पेरेंट्स को मना कर चुका था, लेकिन इस बार जब माता पिता ने कहा तो रोहन मान गया कुंडली के लिए, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि वह खुद नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सोच अभी भी इन अंधविश्वासों को नहीं मानने की आज्ञा नहीं दे रहा है। अगले दिन रोहन के माता पिता सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और रोहन के जाने से पहले स्नान कर पंडित के पास जन्म पत्र लेकर पहुंच जाते हैं। यह पंडित स्वयं को बेहद ज्ञानी बताते हैं। जिस प्रश्न का जवाब किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है, उसे भी हल करने का दावा करते हैं। बड़ी बड़ी फोटो अखबार में छपती हैं इनकी। जैसा ही रोहन के माता पिता रोहन की जन्मपत्री पंडित के सामने रखते हैं, तो रोहन की जन्मपत्री देख पंडित बताता है कि रोहन की कुंडली में मांगलिक दोष है, अर्थात उसके शादी जिस लड़के से होगी कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद इसका मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। रोहन के माता पिता यह सुनकर घबरा जाते हैं और यह सब बातें रोहन को नहीं बता सकते थे, क्योंकि रोहन यह सब सुनकर गुस्सा हो जाता, क्योंकि वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखता था। रोहन को अगर कुछ भी पता चलता तो वह किसी की जान मुश्किल में डालने के लिए वह अच्छी शादी को ही मना कर देता। लेकिन हर माता पिता की तरह रोहन के माता पिता की भी इच्छा थी कि रोहन की शादी हो। उनकी तलाश ख़त्म एक पास के गांव में जाकर हुई। उस लड़की का नाम प्राची था। प्राची से शादी करवाने का मकसद सिर्फ रोहन के मांगलिक दोष को मिटाना था। प्राची शहर के वातावरण से दूर एक गांव की भोली सी लड़की थी। कुछ साल पहले तक गांव में हर जगह इसी के चर्चे होते थे। वह हर फील्ड में बेहद उत्तीर्ण थी, चाहे वह खेल हो या पढ़ाई, परंतु उसी के कुछ महीने बाद उसकी खूबसूरती और उत्तीर्ण की आदत से उससे जलने वाले लोग उसके चेहरे पर एसिड अटैक करके चले गए। उसकी मदद की कोई बचा नहीं था। उसने कोर्ट से भी सहायता मांगी, परंतु उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वकीलों की फीस बढ़कर दे सके। शुरुआत में तो उसके माता पिता ने ज़्यादा उसे न्याय दिलवाने में पूर्ण सहायता करी, परंतु जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब हर तरफ मात्र अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता। अब प्राची अपने माता पिता पर कुछ हद तक खुद को बोझ समझने लगी थी। प्राची की दो छोटी बहनों की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन प्राची की शादी नहीं हो पाई थी। कोई भी लड़का अगर प्राची को पुरानी फोटो देखकर एक बार प्राची के हाथ मांगने भी आ जाता था तो असली जला हुआ रूप देखकर उल्टे पांव लौट जाता था। प्राची के बारे में रोहन के माता पिता को इस किसी परिचित से पता चला। रोहन के माता पिता बिना देर किए प्राची के घर पहुंचे। प्राची से मिलने से पूर्व ही रोहन के पेरेंट्स ने पंडित को सब बातें बता दी और प्राची ने छुपकर सुन लिया था। शुरू में तो प्राची के माता पिता ने इसका विरोध किया, परंतु रोहन के माता पिता ने उन्हें पैसे देने को कहा तो प्राची के माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति देख उनकी बात मान गए। वह कहते हैं
कि ना गरीबी बेहद घातक होती है, चंद पैसों के लिए ईमान बिकवा देती है। रोहन के माता पिता घर पहुंचते ही आनंद फानंद में रोहन के साथ जल्द शुरुआत करवा देते हैं। रोहन कई बार कहता है कि उसे उस लड़के से मिलना है या फोटो देखने की जिद करता तो, परंतु हर बार उसके माता पिता कोई ना कोई बहाना मारकर मना कर देते हैं और कहते हैं कि तू हम पर भरोसा रख, तेरे मम्मी पापा वर्ड की वस्ट बहू ढूंढ कर लाए हैं। उनकी शादी बेहद जल्दी हो जाती है, जिसमें रस्मी रिवाजें भी नहीं निभाई जाती, मात्र कोर्ट मैरिज ही होती है जिसमें ना ही ज़्यादा गेस्ट को आमंत्रित किया जाता है। कोर्ट से घर पहुंचने में समय लगता है, रात भी बेहद हो जाती है। रोहन शेरवानी पहने और प्राची घूंघट ओढ़े दोनों घर पर दाखिल होते हैं। रोहन घर पहुंचते ही अपने टाइम कपड़े बदलने बाथरूम चले जाते हैं। जैसे ही वह बाथरूम से आता है, प्राची कमरे को देख रही होती है। रोहन का कमरा बेहद बड़ा होता है, इसमें हाथ से बनाई हुई पेंटिंग एवं बड़ा टीवी एवं एक बड़ा सा शीशा होता है जिसमें उसकी तस्वीर दिख रही होती है। जैसे ही रोहन कमरे में प्राची के पीछे खड़ा होता है, प्राची घबराकर अपना घूंघट नीचे कर देती है जो उसने कुछ देर पहले ही हटाया था। रोहन ने प्राची से कहा, घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शरीर जला हुआ है। प्राची इस पर हैरान हो जाती है। इस पर रोहन उसके पूछने से पहले ही बता देता है कि उसने कोर्ट में ही पता चल गया था। रोहन प्राची से आराम करने को कहता है और खुद एक तकिया लेकर सोफे पर लेट जाता है। इस पर प्राची कहती है कि इतना अच्छा क्यों बनने हो आप, मेरे कुछ ही दिनों बाद मौत हो जाएगी। सुनकर रोहन चौंक जाता है। रोहन प्राची से इस बारे में पूछता है तो वह बताती है रोहन की कुंडली मांगलिक दोष है। रोहन यह सब जानकर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है कि उसे अंधविश्वास में क्यों डाला। रोहन उदासी स्थिति में अपने कमरे पहुंचता है और जहां प्राची भी मौजूद होती है। रोहन प्राची से अपने माता पिता के लिए माफ़ी मांगता है और साथ ही उससे कहता है कि प्राची मुझे माफ़ कर दो, मेरे माता पिता ने जो किया वह अंधविश्वास में किया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, हो सके तो इसमें भी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी एक पति के रूप में प्यार नहीं दे पाऊँगा। प्राची रोहन के हालत को देखते हुए कहती है, गलती तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की नहीं बल्कि मेरे जीवन की है, मेरे इस शक्ल की है। रोहन और प्राची अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर एक साथ रहने लग जाते हैं। रोहन अब कमरे में नहीं सोफे पर ही सोता। प्राची बिन बोले रोहन की पसंदीदा डिश बनाती। समय जैसे जैसे बढ़ता रहता, दोनों की दोस्ती ही प्रेम के कई सफर तय करने लगी थी, परंतु दुनिया के सामने रोहन अपने प्रेम को दोस्ती का ही नाम देता है। एक दिन जब रोहन अपने ऑफिस में होता है तो प्राची का फ़ोन आता है। प्राची उससे कहती है कि वे शॉपिंग करने मार्केट पहुंची हैं, तो कुछ देर बाद रोहन उसे लेने आ जाए। तकरीबन आधे घंटे बाद रोहन को प्राची का कॉल फिर से आता है, परंतु रोहन इस वक्त काफ़ी व्यस्त था इससे वह कॉल नहीं उठा पाता। फिर कुछ देर बाद जब फिर कॉल आता है तो वह उठाता है और जैसे ही कोई अनजानी आवाज़ सुनता है तो वह घबराता हुआ जल्दी अपनी कार की तरफ भागता है और कार से सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पता चलता है कि प्राची का एक्सीडेंट हुआ है। प्राची की हालत काफ़ी नाजुक बनी होती है, उसे अपने माता पिता के पंडितों की बातें याद आने लगती हैं। हालांकि वह इन बातों को मानता नहीं था, परंतु डर हर अंधविश्वास में विश्वास करवा देता है। वह बेहद घबराया हुआ था और वह ऑपरेशन रूम में खड़ा हुआ होता है। तभी डॉक्टर आकर उससे कहते हैं, प्राची बिल्कुल ठीक है, सिर्फ खून ज़्यादा निकल गया इसलिए बेहोश हो गई थी, अब आप उससे मिल सकते हैं। रोहन प्राची के पास जाकर अपने प्रेम का इजहार करता है। वहाँ मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उम्मीद है आपको यह दर्द भरी प्रेम कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट मुझे बना रहिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।